So good morning friends, again a very important session for those who want to make their career in Bihar Vidhan Sabha Group D. Students, आज हमारे पास बिल्कुल एक important question है आपके लिए, important suggestion है, अगर आप उस suggestion को go through करते हैं, definitely the result will be very nice. Students, जब आप interview देने जाएंगे, तो कुछ बातों का आप अगर पहले से prepare कर ले अपने से related, तो आपको इंटरव्यू में बेनिफिट होने वाला है तो लेट अस सी क्या पूजा क्वेश्चन लेकर आई है आपके कमेंट बॉक्स में से देखकर तो कमेंट बॉक्स में से कौन सा क्वेश्चन देखा आपने पूजा जो आप पूछना चाहोगी सर बिहार विधानसभा ग्रुप डी में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं ओके सो क्वेश्चन तो आपका बहुत अच्छा है और ये कमेंट बॉक्स में बहुत बार मैंने भी देखा था पूजा जब आपने देखा उससे पहले मैंने भी दो तीन बार देखा तो मेरे बच्चों ने बहुत बार ये क्वेश्चन मुझसे पुट अप किया कि सर क्या लेकर जाना है और कैसे लेकर जाना है तो सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स को ये बोलूंगा कि स्टूडेंट्स आपके पास एक फाइल होनी चाहिए उस फाइल में आपके पास जो चेन वाली फाइल होती है स्टूडेंट्स उसमें लैप लगी हुई होती है वो लैप वाली फाइल हो आपके पास अच्छा वो कोई फाइल अप्रोक्सीमेटली 100-150 रुपीस के आसपास आ जाती है तो बहुत कॉस्टली फाइल लेने की जरूरत नहीं है हाँ ये जरूर है कि उस फाइल के हर लैप में आप अलग से एक वाइट पेज डाल दीजिए आप कहेंगे सर ये क्यों हमने तो आज सर मार्कशीट ही डाली है नहीं मेरा मानना है कि जब आप मार्कशीट डालेंगे डायरेक्ट या फिर आप पहले वाइट पेज लगाकर फिर मार्कशीट डालेंगे तो ज्यादा ग्लो आएगा यानी कि मार्कशीट आपकी ज्यादा अच्छी लगेगी और वो पेजेस बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं करके देखना आपको पसंद आए तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत राय देता हूं अब मेरे स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन है जैसे पूजा ने बोला कि सर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की दोनों मार्कशीट लेके जाएंगे पूजा इसमें एक्चुअली क्या बात है कि देखो मैंने हमेशा एक ही बात बोली अपने वीडियोस के अंदर कि आपका जो कंपटीशन है वो 10th क्लास के बच्चों से नहीं है क्योंकि इस जॉब के अंदर बहुत से बच्चे ग्रेजुएट भी होंगे बहुत से पोस्ट ग्रेजुएट भी होंगे और आप गैपिंग को कहां कहां छुपाते फिरोगे तो बात सही है आपकी अगर आप ग्रेजुएट है मान लीजिए आप ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप अपनी सारी मार्कशीट उसके अंदर रखो ये नहीं है कि उन्होंने अगर 10th क्लास की मांगी है तो सिर्फ आप 10th तक लेके जाओ आप सारी लेके जाओ हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर सामने वाला क्या कहता है वो उनकी चॉइस है राइट अब मान लीजिए आप उस डॉक्यूमेंट्स को लगा रहे हैं अपनी फाइल में तो एक वर्ड याद रखो वो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर हमेशा फाइल्स हमेशा गिरते हुए क्रम में लगाई जाती है मान लीजिए आप 12th पास है और आप इस जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको पहले 12th की लगानी है मार्कशीट उसके बाद आपको 10th की लगानी इसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स वो ये है कि यदि आप कहते हैं सर क्या कोई और डॉक्यूमेंट तो बिल्कुल आपका आइडेंटिटी कार्ड उसमें आप कुछ भी लेकर जाइए पर मेरी राय रहेगी कि दो तीन आईडी कार्ड हो आपके जैसे आपका हो सकता है आधार कार्ड बना हो आपका पैन कार्ड बना हुआ हो आपको लगता हो ये मेरे आईडी कार्ड है मेरा लाइसेंस है ड्राइविंग लाइसेंस है आपको जो भी अपने आई कार्ड्स लगते हैं अगर आपको लगता है कि मैं दो चार वेरिफिकेशन की चीजें ले जाऊं तो वेल एंड गुड वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा इवन आपका 10 दिन पहले एडमिट कार्ड भी आ जाएगा तो आप अपने एडमिट कार्ड भी लेकर जाएंगे अब देखो स्टूडेंट जब आप फाइल लेकर जाते हैं तो बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि उस फाइल का कैसे प्रयोग करना है कैसे मैं उससे ज्यादा इंप्रेशन डालूं तो फाइल को हमेशा ओपन रखेंगे वैसे तो आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है शायद इंटरव्यू के बाहर ही वेरीफाई हो क्योंकि ज्यादातर बैंक या फिर एसएससी वगैरह में जो इंटरव्यू वेरिफिकेशन होते हैं वो पीओ वगैरह में उसमें क्या होता है इंटरव्यू से पहले ही आपका वेरिफिकेशन हो जाता है डॉक्यूमेंट्स का तो यहां पर भी ये हो सकता है पर अगर आप फाइल लेकर जाते हैं मेरी राय रहेगी कि आप इंटरव्यू के अंदर भी एक फाइल लेकर जाए हाँ कई बार वो कहेंगे आपको कि शायद जरूरत नहीं है आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए आप जाइए इंटरव्यू दीजिए मगर मेरी राय रहेगी क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी झलकती है इवन आपने भी मेरे साथ बॉडी लैंग्वेज के जब वीडियोस बनाए थे तो आपने देखा था फाइल पकड़ने का वे और आप अंदर आते हैं आप कंफर्टेबल फील करते हैं जब आपके पास फाइल होती है तो आप इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे अब स्टूडेंट्स ये बात आती है कि हमने जो भी अपनी मार्कशीट रखनी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि उन्होंने आपसे 10th की मार्कशीट डिमांड की तो 10th की मार्कशीट का आप बहुत स्पेशल ध्यान रखेंगे कि आपके 10th की मार्कशीट बहुत क्लियर हो साफ हो फोटोकॉपीज तो लेकर जाना ही है ताकि कल को अगर फोटोस्टेट सेल्फ अटेस्टेड गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड ये देख लीजिए मेरी तो ये राय रहेगी कि गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड ज्यादा अच्छा है इसके अलावा स्टूडेंट स्नैप्स की बात आती है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो स्नैप आपने आवेदन पत्र में लगाई है वही कॉपीज कम से कम 5 मैं तो आपको ज्यादा बोलूंगा कम से कम 5 कॉपीज आपको साथ में लाना ले जाना मैंडेटरी है मेरा ऑर्डर नहीं है विधानसभा का ऑर्डर है ध्यान रखिएगा तो 5 कॉपीज आपकी स्नैप की आप वो लेकर जाएंगे जो भी आपने आवेदन में एप्लीकेशन में स्नैप्स लगाई थी तो आप इस बात का बहुत केयर रखेंगे
इसके अलावा 3 सेट कम से कम स्टूडेंट्स आप उसके बनाइए अपनी एजुकेशन के, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जा रहे हैं, अगर आप मूलिमास वगैरह लेकर जा रहे हैं या फिर आपकी टेस्ट मार्कशीट्स है, आपको जो भी लगता है कि इसके अलावा स्टूडेंट मैं एक बात और कहूंगा कि कल अगर आपने कोई चीज अचीव करी हो, जैसे मान लीजिए आपने कोई गेम खेला हो, जैसे आप बताते हैं खो खो अच्छा लगता है आपको, आपने खेला हो, तो मान लीजिए स्टेट का सर्टिफिकेट है या कोई सर्टिफिकेट है तो आप वो लेकर जाइए, उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और जब आप वो सर्टिफिकेट वहां पर शो ऑफ करते हैं, कोई और गेम कोई भी या कोई और उपलब्धि आपकी, आपको लगता है ये सर्टिफिकेट सर मेरे पास है क्या मैं इस सर्टिफिकेट को दिखा सकता हूं, बिल्कुल नहीं से कुछ भी चलेगा, मगर वो जेन्युइन होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन मैं तो ये कहूंगा कि कंप्यूटर का भी अगर आपने कोई कोर्स कर रखा है और एक्स्ट्रा में भी कोई लैंग्वेज सीख रखी है या कुछ और एडिशनल कर रखा है तो आप बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडिशनल आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स का बहुत ध्यान रखेंगे, जैसे आपने हमारा ड्रेसिंग के ऊपर वीडियो देखा था बिल्कुल वैसे ही अगर आप डॉक्यूमेंट्स पर इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें तो वेल एंड गुड है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स जो फाइलिंग के जो कलर है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कलरिंग बहुत ही ऑकवर्ड ले आते हैं, तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा कि आपकी कलरिंग डार्क शेड्स में होनी चाहिए, चाहे वो डार्क ब्राउन हो, चाहे वो डार्क ब्लू हो, चाहे वो ब्लैक हो, मगर वो बहुत ज्यादा शाइनिंग या फिर कुछ इस तरीके से ना हो। बहुत से बच्चे पुरानी फाइल्स ले जाते हैं जिसके ऊपर जो कवरिंग होती है जहां पर हम अपना कई बार आइडेंटिटी कार्ड डालते हैं वहां कुछ मत डाल के रखना, मगर कई बार वो फटा हुआ होता है या कुछ पुराना सा हो जाता है, तो ऐसा मत होने देना, ज्यादा अच्छा है आप 100-150 रुपीस और लगाकर एक फाइल और ले लें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट स्टूडेंट्स। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो तो आपके पास फोटो स्टेट पहले से तैयार हो, आप बाहर जब अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, आपका सक्सेस जरूर मिले। स्टूडेंट्स हमने आपको अबाउट 20 वीडियोस डालकर कुछ एक प्लेलिस्ट बना दी है बिहार विधानसभा ग्रुप की, होप आप वो सारी प्लेलिस्ट एंजॉय कर रहे हैं। पर इसके अलावा हमारे चैनल के 900 और वीडियोस जो इंटरव्यू और बॉडी लैंग्वेज पे बेस है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन स्पीकिंग इंग्लिश के भी बहुत वीडियोस है, तो अगर आप उनको भी देखते हैं डेफिनेटली यू विल टेक बेनिफिट। अदर देन दैट वी आर कॉलिंग यू फॉर यूनिवर्सल इंटरव्यू, वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर यू पीपल, इट इज इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। 7 डेज का प्रोग्राम भी हम इनवाइट करते हैं आपको, इवन टेलीफोन क्लासेस दे रहे हैं, बहुत से बच्चे जिन्होंने बुक्स मंगवाई है दे आर वेल एंड फाइन, बुक्स पहुंचाने की हमारी खुद की गारंटी होती है। तो आप स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखेंगे जब आप डॉक्यूमेंट लेकर जाए आप बिल्कुल अपनी जो मार्कशीट्स है अपनी जो फोटो स्टेट्स है वो सारा एडवांस काम पहले से कर ले, ऐसा नहीं है ऑन द स्पॉट। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो देखिए है तो वो जॉब, और जॉब इंटरव्यू के लिए वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपके पास अपना कोई बायोडाटा हो, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आई है, पर अगर आप एक बायोडाटा लेकर जाते हैं जिसे हम रिज्यूमे भी बोलते हैं, सीवी भी बोलते हैं, क्यूरिकुलम विटाए थोड़ा लेंथी होता है, मगर कुल मिलाकर ये बातें सब एक ही है, वैसे डिफरेंस है, अलग से वीडियो भी दे रखा है क्या डिफरेंस है, अगर आप देखना चाहो तो देख लेना। बट मैं ये कहूंगा कि अगर आप अपना एक रिज्यूमे भी बनाकर छोटा सा लेकर जाते हैं और अपने बारे में कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं तो बुरा नहीं है, आप ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो मांगे तो दीजिए, अगर आपको लगता है वो फाइल देख रहे हैं, देखे वो भी, उनको भी मालूम चले कि ये सिंसियर बॉय है, ज्यादा मैच्योर है, अपने काम को सिस्टमेटिक कर रखा है इसने, राइट। पर बहुत ज्यादा एडवांस अपने सिलेक्शंस मत दिखा देना कि मेरे रिटर्न में वो सिलेक्शंस हुए हुए हैं, ये सिलेक्शंस हुए हैं, ये चीज आपके लिए घातक हो सकती है। तो अचीवमेंट दिखाने जरूर चाहिए, सर्टिफिकेट्स कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम कर रखा है आप जरूर दिखाइए, मगर मैचिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा मिसमैच अगर आपने अपनी चीजें दिखा दी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप अच्छे से जानते हैं, अगर बार बार मैं इन चीज के एग्जाम्पल दूंगा तो शायद कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं आपको ताकि आपको क्लैरिटी हो। आपने कहीं बहुत अच्छा पढ़ाया हो और आपके पास सर्टिफिकेट हो इस बात का, अब आप वॉचमैन की जॉब के लिए आ रहे हैं तो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा कंट्रास्ट क्वेश्चंस ना रेज हो, इसलिए आप वही एक्सपीरियंस दिखाएंगे जो आपकी जॉब को सूट करता हो, राइट। आप इस बात का बेहद ध्यान रखना, अगर आपसे ऐसी गलती हो भी जाए तो एक अच्छा क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखना, प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम आपकी हेल्प कर देंगे। आपने देखा होगा कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत से बच्चे अपने क्वेश्चंस डालते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं उनके आंसर्स देने की। जिन बच्चों को हम आंसर्स नहीं देते एक्चुअली वो आंसर्स हम पहले ऑलरेडी दे चुके होते हैं, बार बार एक ही आंसर नहीं देते, इसीलिए हम उनको सिर्फ उनके कमेंट को लाइक करके छोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आप भी हमारे वीडियोस को जरूर लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू। इफ यू फील
दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू लॉट, माई बेस्ट विशेस टू यू. आप लोगों का सिलेक्शन जरूर हो, मेरी हमेशा आपके साथ काम रहे.